डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ, वह किसी और के साथ ना हो, उतरी हुई इज्जत ना मिले। हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस इसका गुनहगार कौन है यह पता चलना चाहिए। यह दर्द है मेरठ के कालियागढ़ी जागृति विहार निवासी उस परिवार का, जिनकी 13 वर्षीय पुत्री एकाएक ही गायब हो गई थी। गुमशुदगी दर्ज कराई गई, लेकिन असंवेदनशील मेडिकल कॉलेज थाना पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह तो पागल है। 18 दिन बाद बच्ची का शव नाले में पड़ा मिला। पुलिस का कहना है कि उसकी डूबकर मौत हुई है। यदि ऐसा है तो फिर उसके शव के नीचे के कपड़े क्यों गायब पाए गए? ये वे सवाल हैं जिसने मेडिकल थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों को लेकर ही आज परिजनों ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मेरठ पुलिस ऑफिस पहुंचे पिता राजकुमार ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह जानकारी दी। नाम राजकुमार है जी। हाँ बताइए, क्या मैं कालियागढ़ का वासी हूँ। मेरी बेटी 20 जनवरी को गायब हुई और 20 जनवरी को रात को भी हमने ढूंढा उसको, काफी ढूंढा, जिस जगह डेड बॉडी मिली वहाँ भी ढूंढा हमने, लेकिन ये मिल नहीं पाई। तो मैंने 21 जनवरी को इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने, मैं तीसरे दिन फिर गया, मैंने कहा जी कुछ पता लगा लड़की का? तो दरोगा जी के बयान ये थे कि ये लड़की तो पागल है। ये लड़की पागल कैसे हो सकती है? जो लड़की रोटी भी खाती है, घूमती फिरती भी है, बच्चों से भी मिलती है, तो ये पागल कैसे होगी? तो इन्होंने मुझे 10-12 दिन ऐसे आश्वासन खींचते रहे मेरे लिए। कुछ कार्रवाई नहीं करी? कुछ कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। अच्छा। और 12वें से 13वें दिन एक पुलिस वाले पहुंचे हमारे घर, फैंटम वाले, कह लगे भाई ये तुम्हारा वो आया है, देख लो क्या करना है। मैंने जी ये मुझे क्या करना है, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, आप भी तो ढूंढो, कुछ तो सहयोग करो मेरा। अब इन लोगों ने कुछ गौर गाड़ नहीं करी उस लड़की पे, और वो मुझे 18वें दिन 7 फरवरी को उस लड़की की मुझे मृत्यु लाश मिली नाले पे सर। और वो लड़की वहाँ पड़ी भी मिली, तो मिली क्यों मैं ये पूछना चाहता हूँ? और डूब के मरी तो उसके शरीर पे से कपड़े कहाँ गए? जुराब भी पैर रखे हैं, ऊपर का जो स्वेटर जिसको पैर के लिकड़ी थी, गर्म बनियान नीचे था वो भी था उसके शरीर पे, लेकिन पजामिया उसकी गई तो गई कहाँ? तो आश्वासन नहीं दे रहे मेरे को, क्या करेंगे? थाने गए थे तो क्या कह रहे हैं वो? अभी वो हमारी माता ने कुछ ऐसी बात कह दी होगी, गाली गुप्ता जिसका जावा वो तो कहेगा भी, इन्हें इनके साथ बदतमीजी, ज्यादा बदतमीजी मत कर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। कौन कह रहा था ये? ये एसओ साहब का बयान। तो 18 दिन से पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा था? कुछ नहीं करा इन्होंने। बच्ची पढ़ती थी? नहीं जी, घर ही रखते थे हम उसको, उसको हम घर ही रखते थे, किस वजह से हमारी बच्ची है छोटी का इधर उधर ना हो जाए। ठीक। और ये खेलने को निकली उसके बाद ही हमारे पास ही नहीं आई, हमने तो 2-3 तारीख तक ढूंढा इस लड़की को। ठीक। जहाँ खत्म हुई है ना, वहाँ पे 3-3 चक्कर लगाए हमने। हम ये चाहते हैं कि देखो, हम ना विवाद करने आए हैं, ना किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी बेटी जो जैसे गई है, ऐसे किसी की पुत्री की या किसी की बहन बेटी की इज्जत ऐसे उतरी हुई ना मिले, तो मैं चाहता हूँ इसमें जाँच अच्छे तरीके से हो जाए, इंसाफ मिल जाए। हमें ना पैसे की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, हमें केवल हमें ये देखना है कि ये कौन बंदा, कौन गुनहगार है जो हमारी बच्चों का ठहरा, आज मेरी ठाई है, कल किसी की ठहर सकता है भाई, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई, कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।